हमारे पास एक्टिवा आया हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम दे रहा है, गाड़ी से स्टार्ट नहीं हो रहा है और जो ये रिले है रिले भी नहीं चल रहा है और जो हॉर्न है हॉर्न देखो बज रहा है पूरा, ये देखो हॉर्न और ये इंडिकेटर भी चालू है, ये जो सब इंडिकेटर है तो चालू है इसका, देखिए ये चालू है इसका, जो बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी बराबर परफेक्ट चार्ज नहीं हो रहा है तभी प्रॉब्लम देता है, सेकंड जो बैटरी अगर डाउन हो गया तभी प्रॉब्लम देता है। अभी देखिए मैं इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं ये देखिए ये ब्रेक दबा के मैं मार रहा हूँ, देखो ये कुछ भी नहीं आवाज आ रहा है, और हॉर्न देखो हॉर्न दबा रहा हूँ, हॉर्न का आवाज ये देखो हॉर्न पूरे, क्योंकि बैटरी का प्रॉब्लम है इसमें, ये देखिए जो ये जो है अभी देखो आपको मैं कैसे इसको चेक किया जाता है बता रहा हूँ। मैं इसमें एक वायर लगा के इसमें अर्थिंग लगाएंगे तो थोड़ा खरखुर करता है, अरे देखिए इसमें इसके अंदर से वायर लगाना चाहिए और इधर अर्थिंग देना चाहिए, देख लेना चाहिए, ये देखिए ये ऐसे अगर साउंड आया तो समझ लेना बैटरी पूरा ये डाउन हो गया हुआ है, तो काम नहीं करता है, जैसे साउंड आएगा आपकी गाड़ी में तो समझ लेना चाहिए कि बैटरी का प्रॉब्लम है, और ऐसे अगर मानने जाओगे डायरेक्ट तो नहीं होगा। इसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इसमें जो है बैटरी का चार्जिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको इसमें भी बता दे रहा हूँ कैसे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। या अंदर एक चार्जर आता है और चार्जर में व्हाइट कलर का वायर होता है, ये चार्जर इसके अंदर रहता है व्हाइट कलर का, इसमें वायर लगा हुआ रहता है, चेक कर लेना चाहिए करंट आता है कि नहीं आता है। अगर यहाँ से भी करंट, जैसे फर्स्ट नंबर आप कहाँ से चेक करना चाहिए बता दे रहा हूँ मैं, ये जो फर्स्ट नंबर है यहाँ से चेक कर लेना चाहिए आपको। मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ मैं, करंट देखो इधर आता है, इसमें से एक वायर लगा के चेक कर लेना चाहिए, इधर लगा ये देखिए इसमें करंट आ रहा है, जैसे करंट आ रहा है। अब सेकंड टाइम आप कहाँ से जाके चेक कर लेना चाहिए ये जो चार्जर है, क्योंकि अभी मैं पूरा इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे मैं नीचे से निकाल दे रहा हूँ, मैं अंदर सॉकेट लगा हुआ रहता है, क्योंकि क्या मैं पूरा ये जो चार्जर अगर चेंज करना रहता है इसके अंदर नीचे रहता है, चेंज करने के लिए मैं खोलता हूँ, ऐसे चेक करने के लिए नहीं खोलता हूँ मैं। अभी ये देखिए मैं आपको बताया था पीछे, अभी देखो ये देखिए दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए वाइट कलर है, ये देखिए वाइट कलर है और वाइट कलर में देखो वायर लगा हुआ है, देखिए अभी इसमें देखो चेक कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें करंट आ ही नहीं रहा है, फर्स्ट नंबर मैग्नेटिक तरफ से, सेकंड नंबर यहाँ से डायरेक्ट आके चेक कर लेना चाहिए। अभी इसका प्रॉब्लम क्या है, जो अभी देखिए इसमें भी करंट नहीं आ रहा, इसका जो प्रॉब्लम होता है इसके नीचे भी हो सकता है, ये पूरा पहले वो खोलना पड़ता है, जो 100% इसके नीचे का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि करंट यहाँ से आ रहा है, देखिए करंट यहाँ से आ रहा है और उधर करंट नहीं जा रहा है, तो कभी भी समझ जाना चाहिए कि इसका नीचे है। अभी इसको क्या करना पड़ता है, पूरा ओपन करना पड़ता है इसको, ओपन करने के बाद फिर इसके अंदर का वायर जो है जैसे लगाया हुआ है चूहे का, तभी भी कहीं से चूहा काट दिया रहेगा नहीं, वायर उससे पहले से ज्वाइंट किया रहेगा तो वायर ब्रेक हो गया होगा। अभी मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वायरिंग का कैसे प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया जाए। अभी पूरा मैंने क्या किया हूँ देखो, पूरा ओपन कर दिया हूँ मैं, अभी इसमें से देखो वायर आपको कहीं से ब्रेक नहीं लग रहा है इसमें, ये देखिए कहीं से भी वायर चूहा या कुछ भी काटा हुआ नहीं है। आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें पहले से वायर ज्वाइंट है। अभी पूरा इसको सब निकालता हूँ, निकालने के बाद आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे प्रॉब्लम इसको सॉल्व किया जाए। अरे ये देखिए पूरा मैंने इसको जो जाली था वो भी निकाल दिया हूँ और ये भी निकाल दिया हूँ, इसमें देखो वायर ना ऐसे सड़ जाता है वायर, ये देखिए जो होता है वायर ये चार्जिंग का इधर टूटा हुआ है यहाँ से, ये देखिए ये पूरा टूट गया, पहले से ज्वाइंट था इसमें। अभी इसमें मैं क्या करूँगा, इतना थोड़ा कटिंग करूँगा,
थोड़ा हेवी कटिंग करके इसमें दूसरा वायर मैं ज्वाइंट करूंगा। अब इसमें ज्वाइंट करके जो आगे करंट नहीं आ रहा था जो सर्किट के पास, फिर आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी। अब ये देखिए जो वायर था मैंने पूरा कटिंग कर दिया, अभी उधर भी छील दिया और इधर भी, अभी वायर छोटा हो गया हुआ है। तो अभी इसमें दूसरा एक वायर है इसमें देखो ज्वाइंट करेंगे अभी। और ज्वाइंट करने के बाद इसमें टेप वापस रिटर्न जैसे मैंने खुला पूरा टेप मारना चाहिए। अभी दूसरा भी जगह से बराबर इसे पूरा इसे लेके इतना जो नाप है पूरा कितना है इतना कटिंग करके वापस लगाना चाहिए। ये देखिए यहाँ से भी ज्वाइंट हो गया हुआ है। अभी देखो ये और ओपन नहीं रखना चाहिए, इसमें दो वायर अभी जो मैंने किया हूँ देखो पूरा ये ज्वाइंट ओपन नहीं करना चाहिए, इसमें ओपन नहीं रहना चाहिए, इसमें भी टेप और इसमें भी टेप मार देना चाहिए वापस। ये पूरा इसको टेपिंग कर देना चाहिए जो पहले इसमें टेपिंग रेड कलर का था, तो आप पूरा निकाल दिया हूँ अभी, तो क्या है इसमें वापस दूसरा टेपिंग करना पड़ेगा। अभी जो पीछे करंट नहीं पीछे करंट आ रहा था आगे नहीं आ रहा था उसको दिखा रहा हूँ मैं। अभी एक बार मैं आपको वापस बता दे रहा हूँ, देखिए वापस अभी मैं स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। मैं इस जो इसमें से जो करंट पहले आ रहा था और आगे करंट नहीं आ रहा था उसको दिखाऊंगा, क्योंकि बीच का ही प्रॉब्लम था इसलिए करंट नहीं आ रहा था उसमें। अभी देखो मैं ये वायर में लगाया हूँ व्हाइट कलर का, इसमें देखो अभी करंट देखो कैसे आ रहा है, देखिए ऐसे करंट इसमें आ रहा है ना, इससे आगे पहले नहीं आ रहा था ना, अभी अभी आगे भी बता दे रहा हूँ आपको मैं। अभी इसका सर्किट वापस लगा दिया था मैं, वापस निकाल दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए मैं इसमें देखो व्हाइट कलर लगा हुआ है, व्हाइट कलर का पिन में मैं लगाया हूँ मैं। अभी देखिए इसमें करंट आना चालू कर दिया, देखिए ये देखिए ये देखो करंट आ रहा है इसमें। अभी जो बैटरी चार्ज नहीं होता था पहले, अभी देखो चार्जिंग चालू हो जाएगा इसका, आपको दिखा भी दे रहा हूँ मैं। अभी इसको जो सर्किट मैंने अंदर से निकाला था इसको मैं वापस लगा दे रहा हूँ। अभी देखिए सर्किट इतना अंदर रहता है, इधर आराम से हाथ जाके निकाल सकते हैं इसको। अभी इसको मैं लगा दिया हूँ और लगाने के बाद अभी देखिए थोड़ा टाइम तक मैं स्टार्ट रखूंगा ये देखिए गाड़ी, क्योंकि ये भी गाड़ी में अगर बैटरी डाउन हो गया हुआ है गाड़ी चार्जिंग नहीं होगा तो गाड़ी भी नहीं स्टार्ट होता है गाड़ी, ऐसे प्रॉब्लम इसमें हुआ है। कस्टमर बोल रहा है भाई मैंने बैटरी भी चार्ज कराया हूँ दो दिन हुआ वापस डाउन हो गया हमारी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे रहा है, तो मतलब सर थोड़ा मैं चेक करके देखता हूँ। अभी मैंने चेक करके देखा तो मैंने प्रॉब्लम यहाँ से मिला मुझे, ये देखो प्रॉब्लम यहाँ से हुआ था, तो यहाँ से वायर देखो क्या सब ने चूहे ने काट दिया हुआ था, बोले वायर ज्वाइंट हुआ था वापस दूसरी बार क्या वापस यहाँ से ब्रेक हो गया हुआ था, ये निकल गया था वायर, इसको चार्जिंग नहीं हो रहा था। अभी थोड़ा टाइम मैं स्टार्ट करके आपको भी बता रहा हूँ मैं। इसको और थोड़ा अभी पूरा बैटरी जो है फुल डिस्चार्ज हो गया हुआ है, अभी मैं इसको पूरा चार्जिंग रखता हूँ थोड़ा 10-15 मिनट स्टार्ट करके, फिर आपको मैं स्टार्ट करके बता रहा हूँ फटाक के बैटरी चार्ज हो जाता है इसका। अगर बैटरी खराब रहेगा तो चार्जिंग नहीं हो पाता, बैटरी अगर अच्छा रहेगा 5-10 मिनट में अगर गाड़ी चालू रखोगे तो बैटरी जो है परफेक्ट चार्जिंग हो जाता है। ये वीडियो में मैं आपको और भी एक तरीका बता दे रहा हूँ, आपके पास जैसे मशीन नहीं है चेक करने वाला, बैटरी जो चार्जिंग होता है उसका मशीन नहीं है आपके पास, इजी आप कैसे चेक कर सकते हो। फर्स्ट नंबर क्या करना चाहिए, इसका जो वायर है ये देखिए वायर, कोई भी दोनों में से एक वायर निकाल के चेक कर लेना चाहिए कि इंडिकेटर आपका चालू है कि नहीं है। अभी आप पहले दिखा दे रहा हूँ आपको इंडिकेटर में, ये देखिए इंडिकेटर इतना फास्ट चालू है अभी, इसका मैं वायर अभी निकाल दे रहा हूँ मैं, बैटरी का वायर जो होता है ये कनेक्शन मैं निकाल दे रहा हूँ अभी। ये वायर निकाल के ये देखिए अभी ये देखिए वायर भी निकला हुआ है, ये देखिए वायर निकल गया हुआ है। अब इसको अगर चार्जिंग चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, देखो अभी समझ लेना इसमें बैटरी चार्ज हो रहा है, अगर ये नहीं चलेगा
समझ लेना आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रहा, अभी बैटरी लगाऊंगा और फास्ट चलेगा। ये देखिए ये बैटरी लग गया हुआ है, अभी देखिए वापस मैंने बैटरी निकाल दे रहा हूँ, तो वापस बता दे रहा हूँ आपको। ये देखिए निकाल दिया हूँ, अभी इंडिकेटर तो सील हो गया हुआ। ये थोड़ा जैसे आप इसके लेटर दोगे तो ये ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा अगर 80 ज़्यादा ओवर अगर हुआ तो बल्ब उड़ जाएगा, तो उड़ना नहीं चाहिए इसको। अगर ज़्यादा करंट आ रहा है तो ये बल्ब उड़ जाता है। इसमें करंट जितना आना चाहिए उतना करंट आ रहा है, देखिए जितना इसके लेटर हो तो ज़्यादा आगे नहीं जा रहा है। अभी इसमें अगर जो खोला था ये, अभी इसको मैं फिटिंग कर दे रहा हूँ। मैं इसका जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था ये सब सॉल्व हो गया हुआ है। बैटरी जो चार्जिंग नहीं हो रहा था उसका ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हुआ है इसका। इसमें अभी खाली ये जो बैटरी है, बैटरी आप चाहिए तो चार्जिंग कराओ, नहीं चाहिए तो गाड़ी के अंदर रख के 10-5 मिनट चार्ज स्टार्ट करोगे तो बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगा। अभी इसका जितना था प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया हुआ है। अभी ये बैटरी को चार्ज कराना पड़ेगा क्योंकि पूरा फुल डिस्चार्ज हो गया हुआ है, नहीं तो अभी मैं कस्टमर बोलूँगा भाई थोड़ा टाइम तक यूज़ करो तो आपका ये जो भाई स्टार्ट नहीं हो रहा सिर्फ, तो आपका स्टार्ट होगा अभी, क्योंकि अभी पूरा इसको मैं फिटिंग करने जा रहा हूँ। इसका जो चार्जिंग का और जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था अभी ये सॉल्व हो गया हुआ है। अभी ये देखिए पूरा मैंने अभी पूरा खोल के रखा हूँ, पूरा अभी इसको ओपन जो किया था पूरा अभी इसको मैं फिटिंग करने जा रहा हूँ। पहले फर्स्ट नंबर मैं यहाँ से टेप पूरा मारूंगा, इसको टेप मारने के बाद पूरा ये बॉडी को फिटिंग करूंगा। आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए पूरा मैंने क्या किया, आगे भी फिटिंग कर दिया हूँ। अभी मुझे ये फिटिंग करना है, उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करके बता दे रहा हूँ कि अभी मैं 10-20 मिनट हो गया, मुझे 10-20 मिनट समझ लो इसको हो गया गाड़ी स्टार्ट होके। अभी इसको मैं बंद करने जा रहा हूँ, ये देखिए अभी इसको ये चार्जिंग देखो बंद कर दे रहा हूँ। अभी वापस देखो सेल मार रहा हूँ, देखो ये देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जो बैटरी का इसका प्रॉब्लम नहीं है, चार्जिंग पूरा डाउन हो गया था, बैटरी पूरा डाउन हो गया था। अभी वापस देखो स्टार्ट हो रहा है अभी सेल पे। इसका जो चार्जर का था उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हुआ है, और बैटरी जो चार्जिंग है बराबर बैटरी भी चार्ज हो गया हुआ है। कि वो बैटरी अगर आपका मैं आपको वैसे इसलिए बता रहा हूँ कि वो बैटरी भी अगर ख़राब रहेगा तो बराबर परफेक्ट चार्ज नहीं हो पाता है। 10 से 20 मिनट चालू रखोगे गाड़ी तो बैटरी अगर आपका अच्छा रहेगा तो चार्ज हो जाएगा, अगर बैटरी आपकी ख़राब रहेगा तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगा।